हेलो एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यू पी एस सी हिंदी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो कैसे हैं आप लोग नितिन सिंघानिया का जो सीरीज हमने शुरू किया है उसमें चैप्टर वन चल रहा था और चैप्टर वन में कुल तेरह लेक्चर्स लिए मैंने चैप्टर वन में मैंने कुल तेरह लेक्चर्स लिए थे उन तेरह लेक्चर्स में उन तेरह लेक्चर्स में एक लेक्चर लेक्चर थ्री लेक्चर थ्री रिमूव हो गया ये ऑटो रिमूव हो गया था लेक्चर थ्री लेक्चर थ्री ही हुआ था ना लेक्चर थ्री था लेक्चर फोर था अब मुझे याद नहीं आ रहा है लेक्चर थ्री ही तो था जो मैंने आपको कहा था एक सेकेंड यस लेक्चर थ्री था मैंने मुझे अभी अचानक स्ट्राइक हुआ कि लेक्चर फोर था तो मैंने सोचा कि अच्छा फिर तो मैं मैंने लेक्चर थ्री आज आप लोगों के लिए वो किया था तो लेक्चर थ्री हो गया था उस लेक्चर थ्री को मैं दोबारा ले रही हूं दोबारा ले रही हूं इंपॉर्टेंट है भी यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत आता है तो उसी को हम लोग फिर से लेंगे उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये चैप्टर वन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली हम लोग uh, जो सैटरडे uh, सैटरडे को इस पर मैं टेस्ट रखूँगी सैटरडे को इस पर टेस्ट रखूँगी मैं ठीक है एक और चीज़ याद आ गया हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सबको गुड इवनिंग तो नितिन सिंघानिया के सीरीज में हम लोग चैप्टर थ्री करने जा रहे हैं ये कुछ मेरे बारे में है और आ, कुछ अन के बारे में जान लेते हैं तो मेरे बारे में तो बहुत कुछ बताने लायक नहीं है लेकिन अन्य अकेडमी के बारे में बहुत कुछ बताने लायक है ठीक है बहुत कुछ बताने लायक है अन्य अकेडमी के बारे में यहाँ पर जब आते हो तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाती है पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर बहुत ही बेस्ट तरीके से बेस्ट तरीके से आपको गाइड किया जाता है और इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ठीक है आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इस परीक्षा में बैठ सके अपनी तैयारी को कर सके तो अन अकेडमी पर आने के लिए दो तीन तरीके हैं अन एकेडमी का जैसे यूट्यूब है वैसे ही एक पेड़ चैनल है जैसा कि आप लोग हमेशा सुनते हैं तो यहाँ पर आने के दो तीन तरीके हैं तो जैसे एक आप जीएस का सिर्फ जीएस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जीएस में भी प्लस है आइकॉनिक है आप सिर्फ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यानी ऑप्शनल और जीएस दोनों का ले सकते हैं गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो यहाँ पर मैं आपको जीएस का सब्सक्रिप्शन बता रही हूँ कि अगर सिर्फ जीएस का लेते हो और जीएस में अनलिमिटेड एक्सेस मतलब जीएस में पूरा जीएस का छ पेपर करेंट अफेयर्स आपका फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर सारा आपका तैयार होगा तो इसमें आप लोग का चौवालीस में चौवालीस में आपका एक साल का है चौसठ हजार आठ सौ में दो साल का है इक्यासी हजार में तीन साल का है रिंकू लाइव कोड के साथ और आइकॉनिक वही लेते हैं आप तो आइकॉनिक जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलता है सिक्सटी सेवन थाउजेंड फिफ्टी में वन ईयर वन लाख फोर थाउजेंड में टू ईयर वन लाख थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव में ये आपका थ्री ईयर का हो जाएगा मेरे कोड के साथ ये जी का सब्सक्रिप्शन है और अगर आप कॉम्बो लेते हैं कॉम्बो जो कि बहुत ही अच्छा है जिसमें आपका जीएस भी होगा और ऑप्शनल भी होगा जीएस ऑप्शनल दोनों की तैयारी इसमें होगी ये बेस्ट है एकदम महीने का बहुत ही कम पड़ता है आपका और ये आप लोगों का वन ईयर का वन ईयर का सेवेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड थ्री महीने का केवल अंठावन सौ रुपये देना पड़ेगा आपको अगर दो साल का लेते हैं महीने का केवल इकतालीस सौ रुपये देना पड़ेगा सिर्फ इकतालीस फोर्टी वन हंड्रेड फिफ्टी एट फिफ्टी थ्री रुपीज और चौबीस महीने तक यानी दो साल तक आप अन अकेडमी के साथ पढ़ पाएंगे और जिसमें आप प्रिलिम्स मेंस जीएस ऑप्शनल फर्स्ट पेपर सी सेट सेकेंड पेपर आपका जो है प्रिलिम्स का जीएस फिर मेंस के सभी पेपर ए से सब कुछ आपका इसमें रेडी होगा और जो लोग ट्वेल्थ में है वो लोग तीन साल वाला अभी से ले सकते हैं वो आपका थर्टी सिक्स मंथ का 36 मंथ का तीन साल का सिर्फ 3300 आपको महीने का पे करना पड़ेगा 3367 और ये क्रेडिट कार्ड से आप लोग खूब आराम से पे पे कर सकते हैं तो ये देखिए इसी तरह से अन अकेडमी बहुत सारी बहुत कुछ अन अकेडमी फ्री में भी आपके लिए लेकर आता है तो अन अकेडमी का पाथ फाइंडर पे 13 मार्च से जीएस और करेंट अफेयर का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है ये बिल्कुल फ्री में इस टेस्ट को आप ऑनलॉ अनलॉक कर सकते हैं मेरे कोड के साथ और ये देखिए जो मैं बैच बता रही थी अन अकेडमी ने बहुत सारी बैचेज शुरू की हैं बहुत सारी बैचेज बैचेजेडमी ने शुरू की हैं आप ये देख पा रहे हैं टू मतलब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बायोलिंग्वल एनसी एन सी आर टी कोर्स के साथ ठीक है एनसीआरटी कोर्स के साथ इतने सारे कोर्सेज एन अकेडमी ने शुरू की है ये सत्रह मार्च से ही शुरू हुआ है तो आज अट्ठारह मार्च है आपका ज्यादा नहीं निकला है इसके लिए आप वो कॉम्बो कोर्स ले लीजिए बेस्ट है आपके लिए और ये फिर से फ्री में है ये आप लोगों का जो कॉम्बैट एना अकेडमी लिया करता है ऑल्टरनेट संडे पर तो इन, कमिंग संडे ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को मेरे कोड के साथ आप ले लीजिए इन कर लीजिए अपने को ये बिल्कुल फ्री में है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपका टेस्ट होता है और जीतते हैं तो बहुत सारे इनाम भी मिलते हैं आपको प्राइजेस भी मिलते हैं तो यहां पर एनरोल कर लीजिए यहां तो कुछ भी नहीं लगना है आपको अच्छा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा कल से मेरा शुरू हो रहा है कल सुबह दस बजे से कल सुबह दस बजे से मेरी क्लास शुरू हो रही है सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिनका भी है इंग्लिश की किताबों से हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाने वाली हूं इंग्लिश की किताबों से आप हिंदी मीडियम से आप पढ़ेंगे और एकदम बेस्ट तरीके से आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं ये तैयारी आप लोग की कराऊंगी तो अपने को एनरोल्ड कर लीजिए बिल्कुल आप कल से ही सोशियोलॉजी शुरू हो रहा है कल 19 मार्च 10 बजे से आप रिंकू सिंह के प्रोफाइल में जाकर आप चेक कर सकते हैं ये कोर्स लाइव हो चुका है तो चौबीस हजार सात सौ पचास रुपए में चौबीस हजार सात सौ पचास रुपए में आपका एक साल के लिए ऑप्शनल का कोर्स सब्सक्राइब हो जाता है वैसे बेस्ट यही है बेस्ट यही है कि आप इसको जो कॉम्बो कोर्स मैंने आपको दिखाया था जीएस और ऑप्शनल दोनों का ले लीजिए तो जिनका भी सोशियोलॉजी है जिनका भी सोशियोलॉजी है ये अपने को एनरोल्ड कर ले अगर शुरू से पूरा पढ़ना है आपको तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है तो, तो रिंको लाइव मेरा कोड है और यहां पर मैं सेशन के पीडीएफ शेयर करती हूँ और आज मैं क्लास के बाद सारा अभी तक का पूरा शेयर कर दूंगी दो बचा हुआ है आप लोगों का तो वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को ये देखिए ये एक मुहिम है आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं शायद इसके बारे में क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग क्लास लेने नहीं आते तो ये मुहिम चैनल है ये आप YouTube पर जैसे ही डालेंगे मुहिम रिंकू सिंह आपको ये मिल जाएगा सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऊपर देख पा रहे पिंड है ये लिंक तो आपका नितिन सिंघानिया नितिन सिंघानिया की अब अगली क्लास जो है जो अगली सैटरडे तो टेस्ट रहेगा एमसीक्यूज रहेंगे एमसीक्यूज रहेंगे और कुछ मेन्स के क्वेश्चन रहेंगे आप लोग रेडी रहिएगा चैप्टर वन से पूरा टेस्ट होने वाला है आपका सैटरडे को पर आपका जो है मंडे से मंडे से जो है नितिन सिंघानिया का सेशन मुहिम पर हुआ करेगा मुहिम पर ट्वेल्व थर्टी ठीक है ट्वेल्व थर्टी पी एम मुहिम पर नितिन सिंघानिया का अब नेक्स्ट सेशन होगा आप लोगों को वो दिया हुआ है बिल्कुल ऊपर लिंक है सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग वहां पर अब वहीं पर आपको इसी लिंक पर आकर आपको ये सेशन मिला करेगा आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना सब लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो लिंक ऊपर है आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सी सी हिंदी आपका येलो कलर से दिख रहा है और एक यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है वहीं पर जाकर वहीं पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मंडे से नितिन सिंघानिया का सेशन मंडे से नितिन सिंघानिया का सेशन आपका इसी चैनल पर यानी मुहिम पर मुहिम पर आपका हुआ करेगा ठीक है तो बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन मैं लास्ट में एक बार और शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ ये ध्यान रखिएगा मुहिम आप सर्च कर सकते हैं तो हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय वास्तुकला मूर्तिकला और मृदभांत आर्किटेक्चर स्कर्पचर एंड पोट्री नंबर थ्री लेक्चर तो कुल तेरह लेक्चर हो चुके हैं उसमें थर्ड लेक्चर रिमूव हो गया था बस वही क्लास आप लोगों की होने जा रही है ठीक है तो इसमें इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है हम लोगों को पढ़ना है लेटर मॉडर्न आर्ट मौर्योत्तर कला पढ़ना है हम लोगों को मॉडर्न आर्ट में तो आपने पढ़ा आपने पढ़ा स्तूप पढ़ा पिलर्स पढ़े केव्स ये वास्तुकला पढ़ा आपने ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां ये सब आप लोगों ने देखा अब लेटर मौर्यन आर्ट में क्या-क्या है मौर्यों के बाद मौर्यों के बाद आ, आप ये समझ लो कि 200 BC में इन लोग इन लोगों का जो है डिक्लाइनेशन हो गया था 200 BC में 200 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 BC से लेकर और AD तक AD यानी 300 323, 323 के आप ये कह लीजिए कि 300 तक सौ ईस्वी तक गुप्त गुप्त साम्राज्य की स्थापना के पहले तक तो गुप्त साम्राज्य का पहला सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है जिसका टाइम में आपको 323 सौ ईस्वी बता रही थी इस बीच का जो पीरियड है वो मौर्योत्तर काल कहा जाता है यानी मौर्य काल से गुप्त काल के बीच मौर्य काल से गुप्त काल के बीच का जो पीरियड है उसे हम लेटर मौर्यन पीरियड कहते हैं मौर्योत्तर काल कहते हैं और इस पीरियड में आर्किटेक्चर का कैसे डेवलपमेंट होता है यही आप लोगों को पढ़ना है गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो इसमें जो है आप लोगों का जो मौर्योत्तर काल के हम लोग बात करते हैं तो वही मैं आप लोग को बता रही थी कि सेकेंड सेंचुरी बीसी में जब मौर्यों का पतन होता है तो भारत के अलग अलग भाग बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का यहाँ पर उदय होता है छोटे छोटे राजवंशों का और इसमें इसमें अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत की तो उत्तर भारत में पाटलिपुत्र में सुंग थे मैं एक मैप लगाने वाली थी एक मैप लगाने वाली थी जो मैं लास्ट में लास्ट में समझ लो कि भूल गई एक मैप लगाने वाली थी मैं तो इसमें मैप से मैं आपको दिखा देती कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत की तो यहाँ पर यहाँ पर यहां पर जो है आ, एक वो लेकर के आप बस इमेजिन करते जाइए उत्तर भारत में पाटलिपुत्र में मौर्यों की जगह पर शुंग आ जाते हैं पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व तो में फिर उनकी जगह पर कणव फिर उससे जब हम थोड़ा इनका इनका प्रभाव विदिशा तक है विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना हेलियोडोरस ने की थी और वो पुष्यमित्र शुंग के बेटे ठीक है पुष्यमित्र शुंग के बेटे से जो है पूछ कर ही तो यानी विदिशा तक मध्य प्रदेश तक शुंगों का प्रभाव था फिर उसके बाद में एक मैप लेकर आपको दिखाने की कोशिश करती हूं अच्छा कल मैपिंग की क्लास है कल तो मैपिंग की क्लास है मैंने इंडिया पूरी इंडियन हिस्ट्री थ्रू मैप का कल सेकेंड पार्ट में करवा रही हूं तो उसमें मैं आप लोगों को मैप से ये चीज दिखा दूंगी ठीक है तो उसके और वहां से जब मध्य प्रदेश तक इनका प्रभाव है जब वहां से हम नीचे नीचे बढ़ते हैं तो डेक्कन में डेक्कन में सातवाहन है डेक्कन समझ लो जो महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो जहां तक डेक्कन प्लेट्यूज का जो फैलाव है तो यहां पर सातवाहन है और बाद में सातवाहनों की जगह इक्श्वाकू आभीर वाकाटक उसी क्षेत्र में आते हैं सातवाहनों की जगह ये लेते हैं इक्शवाकू आभिर वाकाटक ये लोग हैं डेक्कन में डेक्कन और पश्चिम भारत में एकदम पश्चिम भारत में हम लोग बात करें तो वहां पर शक भी है रुद्र दामन भी है गुजरात वाला गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला जो एरिया है सौराष्ट्र वाले एरिया में सौराष्ट्र वाले एरिया में, में रुद्र दामन भी है और सबसे नीचे जाओगे सबसे नीचे यानी यहां पर यहां पर ये यह भारत है तो सबसे नीचे जाओगे आप तो यहां पर तो यहां तो सातवाहन सातवाहन इक्शवाकुआभीर है और यहाँ पर यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है यहाँ पर चेर है यहाँ पर पांडे हैं और यहाँ पर चोल है तो यानी केरल में चेर कर्नाटक में पांडे हैं और तमिलनाडु में चोल हैं इस समय समझ गए तो इस तरह से बहुत सारे छोटे 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 पार्ट में बच बटा हुआ था और यहाँ पर जो मथुरा वाला जो क्षेत्र है जो मथुरा पेशा उत्तर पश्चिम और पेशावर वाला उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान अभी जो पाकिस्तान है और मथुरा तक ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यहां पर कुशानों का प्रभाव था कनिष्क कनिष्क का तो ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य पा, है आपका मौर्यों के बाद का है वो मौर्य जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था मौर्यों के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े में बट गया था पूरा भारत इसी तरह अगर हम लोग धार्मिक परिदृश्य देखते हैं तो मौर्यों के समय में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होता है बौद्ध धर्म का और अशोक ने खुद बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया तो इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काफी बोलबाला रहता है और ये शासक धर्म निरपेक्ष रहते हैं तो सभी धर्मों का विकास होता है ठीक है लेकिन मौर्यों के बाद धार्मिक परिदृश्य में भी शैव वैष्णव ठीक है शैव वैष्णव शाक्त शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का उदय होता है विष्णु के दशावतार की कल्पना की जाती है त्रिदेव की कल्पना की जाती है तंत्रवाद का जन्म होता है शक्ति शक्ति की आराधना आपको पता है ना कि तंत्र मंत्र जहां तंत्र मंत्र की बात होती है वहां पर शक्ति की आराधना की जाती है तंत्र तंत्र साधना किसे कहते हैं किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से हो सकता है वो सेशन ले रहे हूं तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि तंत्रवाद क्या है तो तंत्र तंत्र में मंत्र के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की जाती है मंत्र के माध्यम से शक्ति प्राप्त की जाती है और वो शक्ति जो होती है वो जो शक्ति होती है उस शक्ति के द्वारा आप कोई भी कार्य कर ले जाते हो तो उसको तंत्रवाद कहते हैं जैसे अगर इसको हम लोग वामपंथ भी कहते हैं धर्म में ये वामपंथ हो जाता है ये थोड़ा सा उल्टा चलते हैं पर जब जब जबकि जब जो सही रास्ता होता है जो दक्षिण पंथ होता है जो सगुण धर्म होता है उसमें तपस्या की जाती है तंत्र मंत्र के द्वारा नहीं वहां पर ईश्वर में ध्यान लगाया जाता है ईश्वर में ध्यान लगाया जाता है तपस्या की जाती है ओम मंत्र उसमें भी किया जाता है उसमें भी मंत्र मंत्रोच्चारण होता है पर ईश्वर से संपर्क करने की कोशिश तपस्या के द्वारा की जाती है और तंत्र साधना में बहुत सारी चीजें जैसे बहुत सारे लोग शमशान साधना करते हैं है ना मतलब थोड़ा सा उल्टा रास्ता वो अपनाते हैं तो उसको तंत्र साधना कहते हैं हाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर मॉरियन पीरियड में आर्किटेक्चर का कैसे डेवलपमेंट होता है हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेटर मॉरियन पीरियड में आर्किटेक्चर का कैसे डेवलपमेंट होता है तो इस समय धर्म में भी जिस तरह राजनीतिक परिदृश्य कई छोटे 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 राजनीतिक पारिदृश्य हैं उसी तरह इस समय धर्म में भी कई तरह के धर्म आ जाते हैं तो इस अवधि इस में इस अवधि में कला ने भी अपना रूप बदला आप देख रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल भी है धार्मिक उथल पुथल भी है तो कला कला ने भी कई सारे रूप बदले इस समय तो कला में भी देखा गया कि कई तरह के जो है अलग 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 शैलियां विकसित होती हैं तो इस समय जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो आ, आप ये कह लीजिए कि जो सबसे ज्यादा विकास होता है जिनका तो वो हम कह सकते हैं कि रॉक आर्किटेक्चर का जैसे इस बार आप लोगों का पूछा है ना इस बार आप लोगों का पूछा है शैलकृत स्थापत्य इस बार इस बार 2020 का के मेंस में आप लोगों को शैलकृत स्थापत्य पूछा है तो रॉक रॉक कट रॉक कट आर्किटेक्चर का रॉक कट मॉन्यूमेंट्स इस समय ज्यादा बनते हैं और मौर्योत्तर काल में भी बौद्ध धर्म की महायान महायान शाखा का ज्यादा विकास होता है क्योंकि कनिष्क महायान धर्म को मानने वाला था ठीक है तो कनिष्क महायान धर्म को मानने वाला था महायान शाखा का ज्यादा विकास होता है और इस समय बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य बनते हैं चैत्य विहार स्तूप भरहुत का स्तूप भी इसी समय का है तो ये सारी चीजें इस समय बनती हैं ठीक है थीके? तो ये गुप्त जो गुप्त शासक हैं गुप्त शासक तक हम लोग देखेंगे गुप्त शासक के पहले तक हम लोग देखेंगे ठीक है पहले और फिर उनके बाद तो रॉक कट रॉक मॉन्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया कि चट्टानी गुफाओं चट्टानी गुफाओं के दो प्रकारों का इस समय विकास होता है चैत्य और विहार का तो मैंने आप लोगों को उस सेशन में भी बताया था बहुत सारे लोग आज नहीं है कि ये दोबारा सेशन हो रहा है पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनका रिवीजन हो जाएगा मैंने कुछ लास्ट में क्वेश्चंस भी रखे हैं तो जो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स बनते हैं उनके दो प्रकार देखे गए ज्यादा चैत्य और बिहार का तो चैत्य किसे कहा गया तो देखो ये कारले का चैत्य है चैत्य जहां पर जहां पर जहां पर बौद्ध भिक्षुक ध्यान करते हैं जहां पर वो ध्यान करते हैं मेडिटेशन करते हैं एक तरह से प्रेयर करते हैं उसको चैत्य कहा गया तो आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रार्थना स्थल होता है उसको चैत्य कहते हैं और जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसको बिहार कहते हैं तो लगभग सभी बिहारों में चैत्य जरूर होता था या दो तीन बिहारों को मिलकर एक चैत्य बनाया जाता था लेकिन चैत्य जरूर होता था तो जहां पर भी बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे वहां पर चैत्य जरूर बनता था क्योंकि भाई वो जहां रहेंगे वहां प्रार्थना तो करेंगे ही तो ये ये जो है कारले कारले का जो चैत्य है ये कारले का चैत्य यहाँ पर यहाँ ये एक बिहार का ही हिस्सा था इसी तरह अजंता की गुफाएं बनी अजंता की गुफाओं में भी उनतीस उनतीस गुफाएं बनी जिसमें पच्चीस बिहार है और चार चैत्य है तो बिहार और चैत्य समझ में आ गया आप लोगों को बिहार का मतलब बिहार का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जहां पर वो रहते थे और चैत्य का मतलब जहां पर वो प्रार्थना करते थे तो कई बार चैत्य बिहारों का एक हिस्सा जैसे देखिए अजंता में दिया हुआ कि अजंता में कुल गुफाएं में गुफाओं में पच्चीस बिहार थे तो बिहार जहां पर भिक्षु सोते बैठते थे आराम करते थे खाते पीते थे और चैत्य जहां पर वो प्रार्थना करते थे तो ये जो पिलर्स आप देख रहे हो ना इन्हीं पिलर्स के एक एक पिलर्स के पास वो बैठ जाते थे ये जो देख रहे हो आप एक एक पिलर्स के पास वो बैठ जाते थे और ये जो स्तूप ये उसमें एक स्तूप बना रहता था ठीक है एक स्तूप बना रहता था स्तूप जो है बुद्ध का प्रतीक माना जाता है बुद्ध के महापरिनिर्वाण का तो वो इसी को ध्यान करते थे तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा मना था बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा मना था तो इसलिए वहां पर प्रतीक की पूजा की जाती थी तो चैतियों में मूर्ति की जगह स्तूप बनाए जाते थे पहले बाद में मूर्तियां बननी शुरू हुई महायान धर्म के अंतर्गत ठीक है तो इसमें जो बनाए गए चैत्य मुख्य रूप से ये क्या होते थे कि समतल छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष होते थे बाद, बाद में जो है ये ये हा इसको कहते हाथी हाथी पृष्ठ मतलब जैसे हाथी का पीठ होता है ना बाद में हाथी के पीठ की तरह बनाए जाने लग गई है बाद में ठीक है जैसे ये ये जो कारले का चैत्य है ये ये उसी तरह से बना हुआ है तो इसको जो है क्या जरूरत पड़ी थी आपको ये भी मैं बता देती हूं बहुत भिक्षु पूरे टाइम एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर भिक्षाटन किया करते थे भिक्षा मांगते रहते थे और एक जगह रुकते नहीं थे एक जगह ज्यादा दिन रुकते नहीं थे तो लेकिन जब बारिश का सीजन आता था तो बारिश बारिश के सीजन में बारिश से बचने के लिए उनके लिए इन बिहारों का निर्माण होता था और ये ज्यादातर प्राकृतिक गुफाओं में प्राकृतिक गुफाओं में ही इनका निर्माण किया गया कई बार गुफाओं को काट काट कर काट काट कर भी गुफा का इनका शेप किया गया था ठीक है तो ये इस तरह से जो है तो इसमें अच्छा गुफ बिहार की संघ दोनों ने बनाया था संघ दोनों ने बनाया था महावीर ने भी बनाया था और बुद्ध ने भी बनाया था महावीर ने भी कहा था कि गृह त्याग जरूरी है और बुद्ध ने भी कहा था कि कैवल्य की प्राप्ति के लिए आ, आ, ये गृह त्याग जरूरी है महावीर जैन ने कहा और बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए गृह त्याग जरूरी है तो गृह त्याग करके वो रहेंगे कहा तो उनके लिए संघ बनाया गया था तो उन्हीं संघ संघ में जो है संघ का मतलब एक एसोसिएशन भिक्षुओं का होता था और फिर वहीं पर उनके रहने के लिए बिहार और चैत्य तो ये जैन धर्म का है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं ये ये उदयगिरी की खंडगिरी की गुफाएं वर्तमान भुवनेश्वर के निकट ठीक है वर्तमान भुवनेश्वर के निकट द्वितीय शताब्दी पूर्व यानी सेकेंड सेंचुरी बीसी 200 हंड्रेड बीसी में इसको खारवेल ने बनाया था ठीक है 200 हंड्रेड में इसको खारवेल ने बनाया था और यहाँ पर यहां पर जो है मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों तरह की गुफाएं हैं जैसे मतलब यहां पर जैसे देख रहे हो ना ये डबल स्टोरी है तो इसको मानव मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों है यानी जो एक तो गुफा का शेप जो मनुष्य खुद बना के गुफा का शेप दे देता था और एक नेचुरल जो गुफाएं पहाड़ों में बनती हैं तो यहाँ पर दोनों तरह की हैं उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में तो ये जैन भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया गया था खारवेल राजा चेदी शासक कलिंग के शासक खारवेल ने इसको बनाया था तो कितनी गुफाएं हैं याद रखिएगा यहीं से क्वेश्चन बनेगा उदयगिरी में अठारह और खंडगिरी में पंद्रह उदयगिरी में कुल एटीन केप्स हैं खंडगिरी में फिफ्टीन हैं, और उदयगिरी की गुफाएं जो है हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है तो हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी में है या खंडगिरी में है? तो ये भी याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख जिससे हमें चेदी शासक खारवेल के बारे में पता चलता है और उस समय के बाकी और समकालीन शासकों के बारे में भी पता चलता है इसमें पुष्यमित्र सुंग का भी वर्णन है तो ये जो है ये जो हाथी गुफा अभिलेख है वो कहा किस गुफा में है तो ये ये उदयगिरी की गुफा में है ये याद रखिएगा आप लोग और ये ब्राह्मी लिपि में इसको ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया था ये ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है ठीक है और ये अभिलेख जय नमोकर मंत्र जय नमोकर मंत्र के साथ शुरू होता है ये जो अभिलेख है वो शुरू होता है जय नमोकर मंत्र के साथ और राजा खारवेल ने जितने सैन्य अभियान किए थे उनकी सभी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है और जो उदयगिरी की जो रानी गुम्फा अभिलेख है रानी गुम्फा जो रानी गुम्फा है यानी रानी गुफा जो है वो दो मंजिला गुफा है तो ये देखिए ये ये दो मंजिला गुफा है ये और इसमें खूब सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनी है ठीक है तो ये उदयगिरी खंडगुरी खंडगिरी की गुफाएं थी और इस समय कुछ स्तूप भी बनते हैं इस समय कुछ स्तूप भी बनते हैं मौर्यत्तर काल में भी काफी स्तूप बनते हैं तो मौर्य काल में जो लकड़ी और ईंट के स्तूप बनने शुरू होते हैं इस समय पत्थर के बनने लग गए मौर्य काल में जो स्तूप बने वो लकड़ी और ईंटों की बनी ठीक है ईट और लकड़ियों की इस समय वो पत्थर के बनने लगे इवन सांची का स्तूप जो ईटों की बना रखी थी अशोक ने उस पर पत्थर जड़वा दिया था पुष्यमित्र ने तो इस समय इसी तरह से खूब डेकोरेशन शुरू हुआ अलंकरण अलंकरण बहुत ज्यादा होने लग गया तोरण द्वार बने आपको अगर ये पूछा जाएगा कि तोरण द्वार कब स्तूपों में तोरण द्वार कब जोड़े गए तो आप ये कहेंगे कि ये मौर्योत्तर काल में जोड़ा गया था तो तोरण द्वार किसे कहते हैं आपका एक स्वाभाविक एक उत्सुकता आपके भीतर आ रही होगी तो स्तूपों में जो प्रवेश द्वार होता था उसको तोरण द्वार कहा गया इसके पिछले वाले क्लास को आप लीजिएगा यानी लेक्चर टू, तो टू में आपको स्तूप का का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा तो स्तूपों में जो प्रवेश द्वार है वो इसी समय बनाए गए अशोक के समय सिर्फ स्तूप बने थे अशोक चौरासी हजार स्तूपों को अशोक अशोक ने बनवाया था यानी चौरासी हजार स्तूपों का वो निर्माता माना जाता है जिसमें कुछ हम लोगों को अभी उसके बनाए हुए मिल दिखते हैं अभी तो सांची का स्तूप जो साबूत बचा हुआ है साबूत बचा हुआ है तो सांची के स्तूप में जो सीमेंट जोड़ा गया जो ऊपर सीमेंट लगाया गया और जो तोरण द्वार यानी जो प्रवेश द्वार बने वो इस समय मौर्योत्तर काल में बने और कहा जाता है कि इसे पुष्यमित्र मित्र सुंग ने बनवाया था इसे किसने बनवाया था इसे पुष्यमित्र सु ने बनाया था तो इस पर हेलेनिस्टिक प्रभाव हमें दिखता है यानी रोमन रोमन और ग्रीक प्रभाव हमें दिखता है मध्य प्रदेश में भरहूत भरहूत का स्तूप सांची का स्तूप इन सब पर इस समय हम लोगों को हेलेनिस्टिक प्रभाव दिखने लग जाता है यानी यूनानी प्रभाव हम लोगों को दिखने लग जाता है इस समय मूर्ति कला की अगर बात करें तो देखो यहां से एक दो साल गैप करके हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2019 के मेंस में पूछा गया था 2020 में नहीं पूछा गया हो सकता है हो सकता है कि आपसे 2021 के मेंस में पूछा जाए 2022 के मेंस में पूछा जाए मतलब यहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस मूर्तिकला से तो इस अवधि में मूर्तिकला की कुल तीन शैलियां निकली गांधार शैली गांधार शैली रोमन सॉरी मथुरा शैली और अमरावती शैली गांधार शैली पर रोमन शैली का प्रभाव था तो गांधार शैली मथुरा शैली और अमरावती अमरावती शैली तीन शैलियां इस समय तीन शैलियां तो थ्री देर इज ए थ्री स्टाइल ऑफ स्कल्पचर इन इन ले पीरियड जिसमें गांधार और मथुरा पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है गांधार और मथुरा पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें गांधार शैली की हम लोग बात करते हैं तो देखो ये गांधार शैली कहां पर इसका सबसे पहले नंबर पर आप जो पॉइंट नोट करेंगे कि सबसे पहले नंबर पर इसका विकास कहां हुआ तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो पेशावर अफगानिस्तान के निकट हुआ पेशावर और अफगानिस्तान के निकट में यानी पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से जो जुड़ा हुआ हिस्सा था वहां पर वहां पर इस शैली का विकास हुआ कारण क्या था वहीं पर यह विकास क्यों हुआ तो क्योंकि जब यूनानी आक्रमण भारत पर हुआ था भारत पर जब यूनानी आक्रमण हुआ था तो उसके बाद ये लोग कुछ उत्तर पश्चिम में वहीं बस गए थे और आक्रमण के समय ये लोग अपने साथ अपने साथ यूनानी और रोमन परंपराएं लेकर आए तो जो अपने साथ यूनानी और रोमन ट्रेडिशंस लेकर आए उससे ये प्रभावित हुआ यहाँ की कला भी प्रभावित हुई यहाँ का शासन भी प्रभावित हुआ तो गांधार शैली को हम ग्रीक इंडियन शैली यूनानी भारतीय शैली के नाम से जानते हैं यूनानी रोमन भारतीय शैली के नाम से जानते हैं यानी गांधार शैली पर गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर पर विदेशी प्रभाव हमें दिखता है ठीक है इस पर हमें विदेशी प्रभाव साफ साफ हमें दिखता है तो विदेशी प्रभाव में मतलब गांधार शैली और मथुरा शैली की जब भी आपको मूर्ति पहचाननी होगी तो मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बोला था हो सकता है आज स्टूडेंट थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे बहुत सारे लोगों को थर्ड लेक्चर याद होगा पीडीएफ मैंने दे ही दिया है था गांधार शैली की मूर्ति में हमेशा बुद्ध के जो तीखे नए नक्श मिलेंगे आपको तीखे तीखे एकदम शार्प और बुद्ध की आंखें थोड़ी सी अधमुंदी होंगी और बुद्ध के बाल घुंघराले लगेंगे घुंघराले बाल और इस तरह सलवट वाले वस्त्र सलवट वाले वस्त्र समझ जाए ना जैसे आप जब कपड़ा पहनते हो तो मान लो ये मेरा टी शर्ट है तो ये ये देखो अभी ऐसे सलवट दिख रहा है आप लोगों को ऐसे दिख रहा है ना तो इस तरह से मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ऐसे ऐसे जो है ये सलवट वाले वस्त्र तो आपको मिलेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुई बुद्ध की वो सबसे ज्यादा प्रचलित बुद्ध की गांधार शैली की मूर्तियां हैं आप जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है ना जगह जगह बुद्ध की स्टेच्यू दिखती हैं लोग अपने घर को भी सजाते हैं बुद्ध के स्टेच्यू से तो ये जो जगह जगह पर ये जो बुद्धा स्टेच्यू ये जो पॉपुलर है ये गाधार शैली वाला ही पॉपुलर है ज्यादा क्योंकि इसमें बुद्ध बहुत ही प्रभावशाली दिखते हैं एकदम खूबसूरत तीखे नैन नक्श वाले बुद्ध एकदम अंधमूंदी आंखों के साथ तो बुद्ध बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इसमें तो जब भी जब भी आपको मूर्ति पहचाननी होगी तो आप ये एकदम इस चीज पर ध्यान दीजिएगा और उसमें भी हुआ था जैसे ये मेटीरियल का भी मटेरियल का भी फर्क है तो यहां पर जैसे जैसे ज्यादातर जो है ग्रीन ब्लू पत्थर बसाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और उसमें जो है लाल बलुआ पत्थर का तो यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है सबसे पहला वो है कि बुद्ध इतने खूबसूरत बुद्ध गांधार शैली में ही है ठीक है तो गांधार शैली का विकास कब से कब हुआ विकास कहां पर हुआ तो पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जैसे आज का पेशावर और अफगानिस्तान पंजाब से सटा हुआ जो पश्चिमोत्तर का प्रदेश था समय समय था पचास ईसा पूर्व से लेकर पांच ईस्वी तक 50 BC से लेकर 500 AD एडी तक ये इसका डेवलपमेंट होता है और नीले धूसर बेसाटमी नी, बलुआ पत्थर सॉरी नीले धूसर नीले धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ इस समय नीले धूसर ब्लू ग्रीन भी कहीं कहीं आता है ठीक है तो ब्लू ग्रीन जो धूसर धूसर यानी ग्रे ग्रे जो पत्थर था तो नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ बाद में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाने लग गया था मूर्तियों को बनाने के लिए तो नीले नीले धूसर बलुआ पत्थर ठीक है और नीले धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया मेटीरियल में बाद में मिट्टी और प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया और इसमें बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनी तो गांधार शैली में सिर्फ और सिर्फ गांधार शैली में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनी हैं तो बोधिसत्व कौन थे बोधिसत्व कौन थे तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में वो भिक्षु जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती थी जिनको ज्ञान की निर्वाण की नहीं कहिए ज्ञान की जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी पर वो अपने अपने निर्वाण की प्राप्ति न करके बाकी लोगों को बाकी जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स होते थे उनको वो निर्वाण प्राप्ति करने में मदद करते थे तो मतलब मैंने तपस्या किया मैंने तपस्या किया 20 साल या 10 साल या 6 साल मैंने तपस्या किया और मुझे एनलाइटमेंट मिला मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई मुझे ईश्वर ईश्वर का दर्शन हो गया ज्ञान की ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञान की प्राप्ति ये कहता है बौद्ध धर्म ये नहीं कहता है कि बुद्ध को ईश्वर दिखे थे बौद्ध धर्म तो अनिश्वरवादी है बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है इसमें ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया गया है तो ये एनलाइटमेंट की बात कहता है ज्ञान की प्राप्ति की बात कहता है तो मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई अब वो ज्ञान की प्राप्ति क्या है तो जो साइनाइड खाता है जो साइनाइड खाता है वही बताता है वो बता नहीं पाता है कि साइनाइड का टेस्ट कैसा था तो ज्ञान की प्राप्ति ये नहीं बताया गया कि ग्रह ज्ञान की प्राप्ति में क्या उनको महसूस हुआ था उस समय लेकिन हाँ जिनको एनलाइटमेंट जैसे बुद्ध को एनलाइटमेंट मिल गया तो बुद्ध को एग्जैक्टली ये पता चल गया कि लाइफ में आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके दुखों का कारण क्या है दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपको किस रास्ते पर चलकर आपको मुक्ति मिलेगा ये सब बात बुद्ध बता गए तो कहते हैं कि एक प्रकाश पुंज दिखता है जिससे आपका आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाती है तो बोधि सत्व कौन कहे गए जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस ज्ञान की प्राप्ति से वो खुद का खुद की मुक्ति का मार्ग न प्रशस्त करके अपने मुक्त खुद को मुक्त न करके वो जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स होते थे उनको वो मुक्ति का मार्ग दिखाते थे तो उनको बोधिसत्व कहा गया तो बोधिसत्वों की पूजा महायान धर्म के अंतर्गत हुई तो मैं बार-बार आप लोगों को बताती हूं कि बोधिसत्व का मतलब समझ लीजिए कि शिरडी के साईं बाबा जैसे शिरडी के साईं बाबा को ईश्वर के अवतार में नहीं रखा गया था पहले लेकिन वो खुद एक संत थे पर आज वो एक ईश्वर बन चुके हैं और उनकी खूब पूजा होती है उसी तरह से राधा स्वामी राधा स्वामी जो राधा स्वामी को मानते हैं वो किसी ईश्वर की मूर्ति उनके घर में नहीं मिलेगी राधा स्वामी के फोटो के नीचे राधा स्वामी के फोटो के नीचे वो लोग ध्यान करते हैं तो राधा स्वामी अब ईश्वर बन चुके हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह से बोधिसत्व थे कि अब बुद्ध से ज्यादा बोधिसत्वों की पूजा होने लग गई कि कौन तपस्या करेगा कौन आष्टांगिक मार्ग पर चलेगा कौन नाष्टांगिक मार्ग पर चले दस शीलों का पालन करे बहुत कष्टकारी है वो तो सबसे सिंपल बोधिसत्वों की पूजा करनी शुरू कर दो वही आपको मुक्त करा देंगे तो शॉर्टेस्ट रूट महायान धर्म के अंतर्गत निकाला गया था ये तो इसमें इसमें जो है आप समझ लो कि सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी तो बोधिसत्वों में बोधिसत्व के कई हैं इसी में आप लोग देखो देखोगे कई नाम दिए गए बोधिसत्व के कई उनके बोधिसत्व मतलब की जैसे पदम पाणी पदम पाणी औलोकितेश्वर पदम पाणी को ही कहा गया पाणी, ये लोग वज्रपाणी बोधिसत्व के अलग अलग रूप थे ठीक है तो यहां पर याद रखिएगा कि सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी अगर हम लोग मथुरा शैली की बात करते हैं तो सबसे पहले जगह तो जगह वो जो है आपका पेशावर और अफगानिस्तान वाले जगह में और ये यमुना के किनारे किनारे यानी मथुरा के निकट ठीक है मथुरा के निकट इसका जो है विकास होता है यमुना नदी के किनारे और इस समय जो मूर्तियां जो बनी तो सिर्फ बुद्ध की नहीं बनी इसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म और हिंदू हिंदुइज्म यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों की मूर्तियां बनी और इसमें इसमें जो है आ, आप ये समझ लो कि पौराणिक जितनी भी हिंदू धर्म के अंदर जितनी पौराणिक देवी देवता थे सबकी मूर्तियां बनी यक्ष यक्ष की मूर्तियां बनी सबकी ही मूर्तियां बनी और बुद्ध कितने चेंज है ये देखिए बुद्ध के नए नक्श इतने तीखे नहीं हैं बुद्ध के बाल घुंघराले नहीं हैं बुद्ध का शरीर सिक्स पैक वाला नहीं है एक नॉर्मल जो बलिष्ठ दिखाया गया है बहुत दुबले पुतले बुद्ध नहीं दिखाए गए हैं लेकिन मतलब शरीर सिक्स पैक वाला नहीं है जो यूनानी कला का प्रभाव माना जाता है कि पूरा एकदम मानसल शरीर सिक्स पैक वाला वो नहीं दिखेगा आपको एक नॉर्मल जैसे भारत में लोगों की बॉडी होती है वैसे नॉर्मल शरीर दिखेगा और वस्त्र वस्त्र जो है ये कंधे पर वस्त्र इसमें भी पहनाया गया है लेकिन उतना सलवट जो आपने देखा वैसा आपको इसमें नहीं दिखेगा और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया ठीक है लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया तो ये ये जो है बुद्ध की सबसे ज्यादा खड़ी मूर्तियां बनी इसमें बुद्ध की सबसे ज्यादा खड़ी मूर्तियां खड़ी मूर्तियां मथुरा कला में बनती हैं और उसमें बुद्ध की सबसे ज्यादा बैठी हुई मूर्तियां मिलती हैं तो मथुरा शैली ने, ने मूर्तियों में जो प्रतीकों को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया कि विष्णु के हाथ में चक्र दिखाया जाएगा गरुड़ पर बैठा हुआ दिखाया जाएगा शिवलिंग बनाए गए तो इस तरह से प्रतीक प्रतीकों का बहुत दिखाया गया प्रतीकों के माध्यम से इनको और इ, इसी प्रकार जो है इसी प्रकार समझ लीजिए कि आ, बुध के सिर के चारों ओर इसमें प्रभा मंडल बहुत बड़ा दिखाया गया जैसे यहां पर नहीं दिख रहा है आपको प्रभा मंडल प्रभा मंडल तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रभा मंडल जैसे महाभारत रामायण तो अभी देखी होगी ना आप लोगों ने अभी अभी लॉकडाउन में फिर से रामायण महाभारत दिखा था तो जब देवता लोग प्रकट होते थे तो पीछे एक चक्र घूमता था खूब रोशनी वाला चक्र उसको प्रभा मंडल तो ये माना जाता है ये माना जाता है कि दे, जो इस तरह के तेजोमय व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं उनका उनके व्यक्तित्व में इतना तेज होता है कि वहां वहां पर पीछे एक प्रकाश फैल जाता है तो उसको प्रभा मंडल कहा गया तो ये पीछे ऐसे प्रभाव तो प्रभा मंडल आपका गंधार uh, शैली में भी बना और प्रभा मंडल आपका जो है uh, मथुरा शैली में भी बना पर मथुरा शैली में ये प्रभा मंडल बहुत बड़ा बनाया गया ठीक है ये प्रभा मंडल बहुत बड़ा बनाया गया और इस पर ज्यामितीय पैटर्न बनाया गया है ज्यामितीय पैटर्न ज्यामितीय ज्योमेट्रिक आपके ज्योमेट्री बॉक्स के जो शेप्स होते हैं तो जयमी पैटर्न इस पर बनाया गया ठीक है तो बुद्ध को ये बुद्ध के यहां पर दो बोधिसत्व बुद्ध के यहां पर दो बोधी सत्व पदम पाणी और बज्रपाणी पदम पाणी और बज्रपाणी को इसमें बनाया गया ठीक है तो अभी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधार शैली मथुरा शैली में मुख्य अंतर क्या है गांधार शैली पर रोमन और ग्रीक प्रभावों का उल्लेख करें ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे अमरावती शैली की बात करके हम तुलना करेंगे कि गांधार शैली पर जो प्रभाव है अमरावती शैली का विकास वो डेक्कन में हुआ और सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे किनारे हुआ नितिन सिंहिया जी कहते हैं कि कृष्णा नदी के किनारे किनारे इसका विकास होता है और इसमें जो है एकल आकृतियां मतलब सिंगल ज्यादा बनी और सबसे प्रमुख यह है कि इसमें इसमें जो है त्रिभंग मुद्रा वाली आकृतियां ज्यादा बनी है त्रिभंग मुद्रा वाली ठीक है मतलब यहां पर इस तरह से जो है तीन झुकाओं के साथ शरीर का प्रयोग तो मतलब ऐसे इसको त्रिभंग मुद्रा कहते हैं तो एक एंगल पर जब जब आप ऐसे झुक जाते हैं ऐसे तो आपका तीन तरह से आपका ये थोड़ा टेढ़ा होता है थोड़ा सिर होता है थोड़ा कंधा होता है तो इसको कहते हैं त्रिभंग तो मूर्तियों में त्रिभंग का प्रयोग किया गया आप देख पा रहे हो कोई भी मूर्ति आपको सीधी नहीं मिलेगी और गतिशील आकृतियां और कथात्मक शैली कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया कि यानी कोई अब ये जो बनाया गया है देख रहे हो इसका कोई ना कोई कथा है तो ज्यादातर जातक कथाओं को उठाया गया जातक कथा आप लोगों को याद है ना जातक कथा का मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी तो ज्यादा जातक कथाओं का इस्तेमाल इसमें किया गया अब यहां से जो क्वेश्चन आप लोगों का बार बार पूछा गया है यूनानी कला <coughs> यूनानी कला और रोमन कला ठीक है यूनानी कला और रोमन कला बार बार आप लोगों को पूछा गया है और इसका यहां पर क्वेश्चन इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछा गया है आपका कि यहां पर यहां पर यह पूछा गया है आपको कि गांधार कला पर यूनानी कला और रोमन कला के प्रभाव का वर्णन करें गांधार कला पर मध्य एशियाई प्रभावों का वर्णन करें अलग अलग तरीके से पूछा गया लेकिन आपको यही बताना है कि गांधार कला पर किस तरह से रोमन कला रोमन कला और यूनानी कला का प्रभाव दिखता है तो यहां पर नितिन सिंघानिया जी ने यूनानी कला और रोमन कला यूनान यानी जो यूनान में जिसका विकास हुआ यानी जिसका विकास ग्रीस में हुआ ग्रीस यूनान को इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं तो जिसका विकास ग्रीस में हुआ उसे ग्रीक आर्ट कहते हैं यूनानी कला और जिसका विकास रोम में हुआ उसे रोमन आर्ट कहते हैं रोमन शैली गांधार शैली ने इन दोनों को का एकीकरण किया गांधार शैली में गांधार शैली में दोनों का दोनों का दोनों प्रभाव दिखता है दोनों प्रभाव दिखता है ठीक है तो इसमें इसमें जो है एक एक करके देखते हैं कि यूनानियों का शैली क्या था और रोमनों का क्या था तो यूनानियों की जो शैली थी वो आदर्शवादी शैली थी आदर्शवादी जैसे आप आदर्श बनाती हो ना जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आपको एक जैसे एक आइडल आइडल व्यक्ति की कल्पना की जाए तो आप कैसे व्यक्ति की कल्पना करोगे जो आप जो मतलब हर व्यक्ति की नजर में एक आदर्श होगा तो आदर्श एक आदर्श व्यक्तित्व का मतलब होता है एक आदर्श व्यक्तित्व का मतलब होता है कि लंबा लंबा चौड़ा बलिष्ठ शरीर और खूबसूरत खूबसूरत नए नक्श और चेहरे पर एक तेज यही कल्पना करते हो ना आप और क्या कल्पना करते हो आप लोग बताइए और यही कल्पना होती है ना हमारे यहां पर ईश्वर को भी वैसे ही बनाया जाता है हमारे यहां पर ईश्वर को भी ऐसे ही बनाया जाता है कि आप जो है आ, हाँ तो यही कल्पना हम करते हैं तो यहां पर यूनानी कला में यही यूनानी शैली में हमें यही मिलता है कि यहां पर पेशीय मनुष्यों के पेशीय चित्रण में बल और सौंदर्य पर काफी ध्यान दिया गया तो पेशीय चित्रण पेशीय चित्रण में बल का मतलब कि जो बॉडी बुद्ध का मैंने बताया ना कि गांधार शैली में बुद्ध बुद्ध को खूब सिक्स पैक के साथ एक चौड़े शरीर के साथ दिखाया गया है बलिष्ठ दिखाया गया है मथुरा शैली में भी पर बुद्ध को गांधार शैली में एकदम चौड़े छाती वाला एकदम चौड़े बाजू वाला बिल्कुल वैसे दिखाया गया है और चेहरा भी बहुत खूबसूरत दिखाया गया है सौंदर्य बहुत अच्छा दिखाया गया है इसमें और संगमरमर का जैसे उपयोग किया गया जैसे यूनान में एक पार्थेनन जगह है तो पार्थेनन पार्थेनन में पार्थेनन के आर्किटेक्चर को देखोगे आप तो खूब व्हाइट व्हाइट संगमरमर का प्रयोग किया गया और खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं ठीक है थीके? तो खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं ये यूनानी शैली में हुआ तो यानी यूनानी शैली में ये कल्पना की जाती है कि पुरुष और स्त्री बहुत ही खूबसूरत हो लंबे चौड़े हो, और वैसे ही बुद्ध को बनाया गया तो देखिए कुछ मैं चित्र दिखाती हूं ये यूनानी देवता अपोलो हैं, और ये एरिस हैं और ये ये औथेनिया करके उस, इसका नाम है ये ये एक लेडी देवता है तो यूनान में यूनान में देवताओं को ऐसे दिखाया जाता था वो अपोलो हैं ये एरिस हैं और ये इनका नाम है पार्थेनिया करके इनका कुछ नाम है ठीक है तो इनको इस तरह से देवताओं को यूनान में दिखाया जाता था और रोम का देखो रोम में चेहरा देखो आप घुंघराले बाल घुंघराले बाल और ये नैन नक्श देखो और ये सलवट वाले वस्त्र ये ये वस्त्र देख रहे हो ना ये सलवट वाले वस्त्र तो इस तरह से मतलब ये रोमन प्रभाव भी हमें हमें ये रोमन प्रभाव भी हम लोगों को दिखता है ठीक है तो गंधार कला में कला में शास्त्रीय रोमन कला की कई सारे तकनीक हम लोगों को दिखते हैं जैसे कि मतलब आ, 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 माला पहने हुए देवदूत ठीक है इस तरह के वस्त्र में लिपटे हुए लताओं में फ्लावर्स में ऐसे लिपटे हुए तो इस तरह ये आपको ऐसा चेहरा बुद्ध का भी आपको ऐसे दिखेगा तो ये ये पूरा का पूरा प्रभाव तो रोमन शैली जो थी जो रोमन शैली थी वो अलंकरण और सजावट के लिए कला का उपयोग करते थे यूनानी शैली में केवल देवताओं की देवताओं की या आदर्श पुरुषों की मूर्तियां बनी पर रोम में रोम में ये प्रैक्टिकल थे काफी और डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो चीजें होती थी उनका चित्रण करते थे सजावट के लिए चित्रण करते थे तो ये यथार्थवादी थे तो यूनानी कला यूनानी कला जो है यूनानी कला आदर्शवादी थी और रोमन कला यथार्थवादी थी और रियल रियल चीजें दिखाती थी जो आसपास होता रहता था तो इन लोगों ने वास्तविक लोगों का और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया और यूनान में देवताओं का और पौराणिक पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया ठीक है रोमवासी अपनी मूर्तियों में कंक्रीट का उपयोग करते थे भीति चित्रों के लिए भी ये काफी प्रसिद्ध थे इस तरह से भीती चित्र भी ये बहुत बनाया करते थे रोमवासी तो ये रोम शैली में रोमन शैली में और यूनानी शैली में फर्क था बोधी का मतलब मैं बता चुकी हूँ बोधिसत्व का मतलब मैंने मैं शिवांगी आप तो बहुत देर से हैं बहुत बहुत देर से क्लास में मुझे दिख रही हैं आप और बोधिसत्व मैंने कम से कम तीन चार बार बता दिया तो बोधिसत्व बोधिसत्व जो ज्ञान की प्राप्ति कर जो तपस्या करता है एकांतवास करता है तपस्या करता है ज्ञान की प्राप्ति करता है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपनी 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 मुक्ति के लिए प्रयास न करके खुद को मुक्त न करके वो बाकी लोगों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है अपने फॉलोअर्स को मुक्ति का मार्ग दिखाता है उनको बुद्धिसत्व कहा गया ठीक है उनको बुद्धिसत्व कहा गया कि ये जो है लोगों को मुक्त करेगा लोगों को उनके दुखों से छुटकारा दिलाएगा लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा बोधिसत्व की कल्पना की गई और ये बोधिसत्व बुद्ध ही थे ये बोधिसत्व का मतलब था कि वो सारे बुद्ध के अवतार हैं इस बोधिसत्व का मतलब ये था कि ये सभी बुद्ध के ही अवतार हैं बुद्ध के अलग अलग, अलग अवतारों की कल्पना की गई और लोकितेश्वर जो बुद्ध के करुणा के प्रतीक थे ठीक है वज्रपाणी जो बुद्ध की शक्ति के प्रतीक थे तो ऐसी कल्पना की गई आप समझ आ गया आप लोगों को तो जैसे कैसे कह के हम 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 कैसे कहते हैं कि आ, आ, सभी तीन मुख्य देवता हम मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीन मुख्य देवता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता विष्णु संरक्षण करता माने जाते हैं और शिव संहारता माने जाते हैं और कहा जाता है कि सारे जितने बाकी देवता हैं वो उन्हीं के अंश हैं तो सब विष्णु के अवतार मान लिए जाते हैं शिव के अवतार मान लिए जाते हैं तो बिल्कुल इसमें भी यही कल्पना की गई थी तो देखिए बुद्ध से संबंधित कुछ मुद्राएं हैं जहां से आप लोग का क्वेश्चन आता है यहां से क्वेश्चन आपका टू में आ चुका है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से 19 और 20 में नहीं आया है हो सकता है इक्कीस में पूछा जाए 22 में पूछा जाए तो ये तो आप लोग को पूछा जा चुका है भूस्पर्श मुद्रा तो भूस्पर्श मुद्रा में बुद्ध बुद्ध का एक एक हाथ इनके गोद में है दूसरे हाथ से ये जमीन को छू रहे हैं और ये कई कई मुद्राओं में बुद्ध बुद्ध की जब मूर्तियां बनने लग गई तो इसमें कई मुद्राओं में बल्कि आप इनको कह सकते हैं बुद्ध की जब मूर्तियां बनने लग गई तो कई मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां बनी कई मुद्राओं में तो इसमें जो भूस्पर्श मुद्रा है बुद्ध की तो इसमें जो है इसमें मतलब ये भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाया गया तो इसमें ये कहा गया कि इसका मतलब ये था कि बुद्ध ने यह कहा कि मैंने छह साल तक तपस्या की ठीक है मैंने छह साल तक तपस्या की और तपस्या करते हुए मुझे गर्मी भी लगी ठंडी भी लगी अच्छा खाना खाने का भी मन करता था मन करता था सो जाऊँ नरम बिस्तर मिल जाए कहीं से भौतिक सुख सुख जो है आकर्षित करते थे लेकिन मैंने अपने तपस्या को भंग नहीं होने दिया और इसकी साक्षी ये पृथ्वी है तो आपके क्वेश्चन में यही था कि मार के प्रलोभनों के बावजूद तो मार बुद्ध ने सांसारिक चीजों को कहा सांसारिक चीजों को बुद्ध ने मार कहा कि मार के प्रलोभनों के बावजूद मैंने अपनी तपस्या को भंग नहीं होने दिया तो ये नील बुद्ध से संबंध किया जाता है तो ये नीलवण बुद्ध बोधिस हैं ठीक है तो ये बुद्ध नीलवण बुद्ध से संबंधित किया जाता है इनको तो ये, ये जो है आपका भूस्पर्श मुद्रा ध्यान मुद्रा ये इसमें सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन ये बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का क्षण का प्रतिनिधित्व करता है ठीक है और ये मुद्रा ध्यान योग को युगित करते इसे समाधि योग मुद्रा भी कहते हैं तो इसमें जो है इसमें बुद्ध के दोनों हाथ गोद में है ठीक है बुद्ध के जो दोनों हाथ है वो ऐसे उंगलियां फैली हुई हैं ठीक है ठीके? ऐसे और ऐसे बुद्ध ने गोद में रखा है इसको तो यहां पर जो है इसको गोद में रख के और इसको ऐसे सटाया हुआ है ये एक त्रिकोण बनाता है ये अंगूठा ऐसे इनका एक त्रिकोण बनाता है तो ये ये आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति को दिखाता है आध्यात्मिक पूर्णता यानी बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध ने इस मुद्रा को बनाई थी ऐसा माना जाता है ठीक है बुद्ध ने इस मुद्रा को अंतिम अंतिम ध्यान के दौरान बोधि वृक्ष के नीचे दिखाई ब, बनाई थी और ये आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक माना जाता है तो यहां से भी आपका क्वेश्चन आएगा मुद्रा तो ये बौद्धिक बहस को इंगित करता है शिक्षण चर्चा डिस्कशन तो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है जब हम संसार पर संसार पर मृत्यु पर जीवन पर जब हम ये बहस करते हैं बात करते हैं चर्चा करते हैं तो उसको वितर्क मुद्रा कहा गया और वितर्क मुद्रा में बुद्ध देखो वितर्क मुद्रा में बुद्ध ऐसे करते हैं ये तो ये ये जो है ये मतलब दाया हाथ दाया हाथ जो है कंधे के स्तर पर आता है और मतलब यहां पर तर्जनी का ऐसे वृत बनाते हैं ये अंगूठे और तर्जनी का अंगूठे और तर्जनी का वृत बनाते हैं और बाया हाथ जो है गोद में रखा हुआ है बाया हाथ गोद में रखा हुआ है ठीक है और यहां पर भी इन्होंने बनाया है और यहां पर भी बनाया है दोनों हाथ से बनाया है इन्होंने तो वितर्क मुद्रा आपको मेन आएगा कि वितर्क मुद्रा किसका वो है और सभी मुद्राओं में जहां जहां पर भी आप पढ़ोगे सभी मुद्राओं में ये बताया गया है कि कैसे बनाया जाता है तो आपको कैसे मुद्रा भूस्पर्श करते हैं या वृत्त बनाते हैं या त्रिकोण बनाते हैं और इसका मतलब क्या है आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या है ठीक है तो इसमें जो है ये आप मतलब हमेशा ये वृत्त जो इन्होंने बनाया है ये ये वृत्त आप भी बना सकते हैं आपके भीतर एनर्जी का प्रवाह बहुत जरूरी है आपके भीतर हमेशा एनर्जी बना रहा है जैसे देखो मैं सब मैं जो है सुबह से सुबह दस बजे से मैंने पौने तीन बजे तक लगातार क्लास लिया है और उसके बाद पांच बजे से फिर मैं आप लोगों का क्लास ले रही हूं क्या आपको मेरी एनर्जी कहीं से कम लग रही है हालांकि कुछ दिन पहले नहीं थी कुछ दिन पहले जब मैं बीमार हुई थी वो एनर्जी ही नहीं आती थी मेरे अंदर तो मतलब कि एनर्जी की कमी थी शरीर में व्याधि था रोग था पर अभी अभी एनर्जी है तो वो एनर्जी ऊर्जा का प्रवाह आप भी चाहते हो कि आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहे हमेशा बना रहे आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह एनर्जी सब कुछ एनर्जी है अभी देखो ये स्टूडियो में मैं खड़ी हूं ये बोर्ड जल रहा है आप अपने मोबाइल पर मेरी क्लास ले रहे हो तो ये आपका मोबाइल किस लिए कैसे चल रहा है एनर्जी से चल रहा है ये बोर्ड चल रहा है एनर्जी से चल रहा है मैं लैपटॉप में आप लोगों के वो देख रही हूँ वो एक एनर्जी है तो आप कभी चाहोगे कि आपका मोबाइल बंद हो जाए क्या अभी आपको अच्छा लगेगा कि अचानक मेरी क्लास बंद हो जाए लाइट चली जाए सब कुछ ब्लैकआउट हो जाए आप चाहोगे कि ऐसे ही चलता रहे मोबाइल कभी बंद ना हो मोबाइल चलता रहे मैं हमेशा यंग और ऐसा ही फील करूँ ये एनर्जी मेरे अंदर बना रहे तो इसका ये होता है कि एनर्जी मतलब इस वृत का मतलब ये होता है कि ऊर्जा का ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बना रहेगा आपके भीतर इसका कोई ये कहता है कि ऊर्जा का ना कोई आरंभ है ना अंत है ऊर्जा खत्म नहीं होती ऊर्जा ऊर्जा का नाश नहीं किया जा सकता ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है इसका ना आरंभ है ना अंत है बस ये क्या करती है ऊर्जा क्या करती है तो ऊर्जा ऊर्जा जो है केवल रूप बदल लेती है आपका मोबाइल बंद हो गया तो कैसा दुनिया से ऊर्जा खत्म हो गई एक ऊर्जा का एक फॉर्म मैं आपको बता रही हूं यहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा की बात की जा रही है यहां पर हमारे भीतर जो ऊर्जा है हमारे भीतर जो ऊर्जा है उसकी बात की जा रही है अच, अचानक आप लोगों को याद है कि ए पी जे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज की स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और बहुत एनर्जी में लेक्चर दे रहे थे वो पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर में थे ना सिक्किम सिक्किम में थे मणिपुर में थे आप लोगों को याद होगा बताइएगा तो वहां पर वो डाइस पर खड़े होकर बहुत ही ऊर्जा के साथ लेक्चर दे रहे थे और अचानक वो ऐसे गिर गए और खत्म हो गए तो कुछ देर पहले तक वो बोल पा रहे थे और कुछ देर बाद उनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं कोई ऊर्जा नहीं तो वो वो जो प्रवाह था वो कहां गया तो ये उस प्रवाह की बात करता है ठीक है ये उस प्रवाह की बात करता है ऊर्जा की उस प्रवाह की बात करता है जो निरंतर इस दुनिया को चला रहा है शरीर बदलता रहता है तो ऊर्जा निरंतर है ऊर्जा निरंतर है तो एपीजे अब्दुल कलाम के बॉडी से निकलकर वो कहीं और गया कहीं और गया वो बस वो शरीर वो शरीर खराब हो गया ठीक है वो माध्यम तो मतलब आपका मोबाइल बंद हो गया शिलोंग यस शिलोंग तो आपका मोबाइल बंद हो गया लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया का मोबाइल बंद हो गया और एनर्जी खत्म हो गई मोबाइल सिर्फ आपका बंद हुआ है तो एनर्जी जो है ये निरंतर है ये प्रवाह बताता है ये पर प्रवाह बताता है अभय मुद्रा तो देखो ये अभय मुद्रा जो होती है अभय अभय मुद्रा आप, आपको मतलब दर्शाता है शक्ति ये शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है ठीक है मतलब ये इस तरह से ये बाया हाथ शरीर के बगल में रखा हुआ है गोद में आप देख पा रहे हैं और दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर मतलब सीधी ऐसे मुड़ी हुई ऐसे जुड़ी हुई है ये तो ये मतलब इसका ये मतलब है कि ये शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है और ये दिखाती है निर्भयता को जैसे ही मैंने कहा कि तद अब हाथ सारे देवता हाथ क्यों उठाते हैं वो कहते हैं कि अभय रहो निर्भय रहो जैसे ही मैंने आपको कहा कि तथास्तु मतलब कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है जो चाहोगे सब होगा तो ऐसे में कोई अगर आप प्रिलिम्स की तैयारी कर रहे हो और कोई ये कहे कि डोंट वरी एक यू आपको लोक सेवा आयोग का एक सदस्य मिल जाए और वो कह दे कि डोंट वरी कोई चिंता की बात नहीं है तो आपको कैसा लगेगा फिर आप एकदम निर्भीक हो जाओगे आप सोचोगे कि ये तो यूपीएससी का चेयरमैन मुझे मिल गया अब मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है तो अब है मुद्रा जैसे ही कोई भी आपके ऊपर अगर ऐसे हाथ उठा देता है या आजकल ऐसे किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि निडर रहो बेफिक्र रहो धर्म चक्र मुद्रा मुद्रा ये तो सीधा है धर्म चक्र मुद्रा यानी सारनाथ में जो पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था और इसमें इसमें देखिए इसमें जो है दाहिना हाथ मतलब ये एक हाथ ऐसे जो है हथेली पर रखते हैं बाहर की ओर और, और इस पर इस पर जो है तर्जनी और अंगूठे से यूं ऐसे किया गया है तो ये ये आपका धर्म चक्र मुद्रा है तर्जनी और अंगूठे का पोर जोड़कर एक रहस्यवादी वृत्त बनाया गया है और ये ये मुद्रा जो है ये कहता है कि धर्म और नियम का चक्र घूम गया है घूम गया है ठीक है तो ये जो है बुद्ध ने तब प्रदर्शित किया था जब सारनाथ के हिरण उद्यान में उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था अंजलि मुद्रा ये अंजलि मुद्रा जैसे हम अभिवादन करते हैं जैसे हम यहाँ पर अभिवादन करते हैं लोगों की तो ये अंजलि मुद्रा है इस पर बहुत बहस है हिन्यानी हिन्यानी मतलब जैसे हिन्यानी तो वैसे मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते पर फिर भी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन ये है कि ये अभिवादन मुद्रा है जब बड़े लोग बड़े लोगों के सामने छोटे लोग करते हैं तो बुद्ध क्योंकि एक ईश्वर की तरह है बुद्ध सच्चे बुद्ध हैं प्रबुद्ध हैं तो बुद्ध को यह मुद्रा नहीं बनाना चाहिए ठीक है ये मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है जो मतलब बुद्ध के अंश जिनमें विद्यमान है वो बोधिसत्वों के लिए है ये मुद्रा ये मुद्रा बुद्ध के लिए नहीं है तो इस पर कुछ लोग कुछ लोग इस पर एग्री नहीं करते हैं कि बुद्ध को अभिवादन के रूप में नहीं आप जैसे आप चाहोगे कि विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हुए मिले आपको विष्णु तो हमेशा ऐसे मिलते हैं आपको कृष्ण को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है तो यानी जो हमारे बड़े होते हैं वो ऐसे करते हुए अच्छे लगते हैं और छोटे ऐसे करते हुए अच्छे लगते हैं तो ये खैर अंजलि मुद्रा पर बहुत विवाद है ठीक है उत्तर बोधि मुद्रा ये देखिए उत्तर बोधि मुद्रा में क्या है कि तर्जनी को छोड़कर तर्जनी को छोड़कर सभी उंगलियां एक साथ एक साथ मिलाते हुए ये ऊपर उठता है ठीक है और ये बुद्ध ने ऐसे अपने सीने पर रखा है इसको बुद्ध ने अपने सीने पर रखा है तो ये ये दिखाता है कि सर्वोच्च ज्ञान इसका प्रतीक है उत्तर बोधि मुद्रा का प्रतीक है सर्वोच्च ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान जो ज्ञान अल्टीमेट है उसके बाद आपके सामने अब कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको क्या करना है कैसे चलना है आपका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए सब कुछ क्लियर है तो सब कुछ के लिए रहे। तो ये उत्तर बोधी मुद्रा है इस मुद्रा में व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए ये जानी जाती है ये ये पता है ये आपको करना चाहिए ये आपको करना चाहिए ठीक है ये जो मुद्रा है ये मुद्रा ये ये जो मुद्रा है ये आपको करना चाहिए क्यों करना चाहिए सोलह घंटे पढ़ाई के लिए आप लोगों में कोई दस घंटा पढ़ाई करता होगा कोई बारह घंटा कोई सोलह घंटा आप आपके भीतर इसके लिए जरूरी चीज जो है वो है आपके भीतर ऊर्जा ऊर्जा जरूरी है तो आप आप इस मुद्रा के साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठने की कोशिश करो और दिमाग को कंसंट्रेट करना किसी चीज पर कुछ यहां पर सोचना मत केवल जो है इस मुद्रा के साथ इस मुद्रा के साथ आप बैठना दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को ये मुद्रा ठीक है और इसके साथ बस किसी एक चीज पर उसी को बोलते रहना किसी एक नाम को बोलते रहना या किसी एक पॉइंट पर अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करना आप देखना आपको कितना बेनिफिट होगा तो शाक्य मुनि बुद्ध जो नागों के मुक्तिदाता कहे जाते हैं इस मुद्रा में वो किए जाते हैं और जो बौद्ध भिक्षुक है इन सभी मुद्राओं का प्रैक्टिस करते हैं वरद मुद्रा ये तो दया भाव को दिखाता है दया वरद मुद्रा हमेशा दया भाव हाँ दिखाता है वरद मतलब वरदान देना होता है वरद का मतलब ही होता है वरदान देना ठीक है तो यहां पर जो है ये देखो दिया हुआ है ये वरद मुद्रा इनका कि ये नीचे की ओर दाहिना हाथ नीचे की ओर प्राकृतिक स्थिति में होती है यदि ये खड़े होते हैं तो हाथ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा होता है तो ये उदारता नैतिकता धैर्य प्रयास ध्यान संबंधी एकाग्रता इन सबको दिखाता है ये वरद मुद्रा करण मुद्रा ये मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा करण मुद्रा ये बुराई से देखो इसमें इसमें एक तर्जनी है एक छोटी उंगली है एक तर्जनी है एक छोटी उंगली है और इसको यूं करके बुद्ध ने रखा है तो ये छैतीस ये रूप छैतीस रूप से छैतीज रूप से यानी वर्ट ये जो है ऐसे और वर्टिकली ये फैला हुआ है और ये ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा जब बाहर निकल जाती है तो आप खुद ही पॉजिटिव हो जाते हो जैसे आपको किसी पर गुस्सा आया हुआ है और आप गुस्से में ना अपना पढ़ाई कर पाते हो जैसे दोस्त से लड़ाई हो गई है आप हिस्ट्री की बुक लेकर बैठते हो ज्योग्राफी की बुक लेकर पॉलिटी की बुक लेकर कुछ भी दिमाग में नहीं घुसता सब ऊपर ऊपर निकलता है क्यों क्योंकि आपके दिमाग में उसके प्रति जो गुस्सा है वो नकारात्मक एनर्जी है वो नकारात्मक एनर्जी आप में भरा हुआ है तो वहां क्रिएटिविटी नहीं हो सकती जब यहां पर नकारात्मक नेगेटिविटी रहेगी यहां पर तो आप क्रिएटिविटी नहीं हो सकती तो ये जो करण मुद्रा है ये उसी उसी नकारात्मकता को बाहर निकल निकालती है और जब आपके भीतर से नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर से बाहर निकल जाएगी तो आप क्रिएटिव हो जाओगे कुछ न कुछ अच्छा सोचोगे तो पता चलेगा कि पूरा लक्ष्मीकांत आप पढ़ गए जो है दस दिन में और पढ़ के नोट्स वोट्स बना के एकदम डन है कहीं से क्वेश्चन पूछो क्यों क्योंकि यहां नकारात्मक एनर्जी नहीं है नकारात्मक एनर्जी नहीं है यहाँ पर आप एकदम पॉजिटिव होकर और आप सृजित कर रहे हो कुछ ना कुछ तो ये मुद्रा ये मुद्रा जो है हम हर, हर नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है और ये बीमारी ठीक है बीमारी गुस्सा हर चीज को हर बाधाओं को दूर करती है ये तो ये करण मुद्रा है आप इस इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये वज्र मुद्रा है ये ज्ञान को इंगित करती है और ये मुद्रा कोरिया और जापान में बहुत अधिक प्रचलित है तो इसमें देख रहे हो आप एक हाथ से तर्जनी को पकड़ा गया है तो ये मुद्रा ज्ञान को इंगित करती है ठीक है मतलब सर्वोच्च ज्ञान का महत्व सर्वोच्च ज्ञान का महत्व दिखाती है और बताया जाता है कि कैसे दूसरी मुट्ठी उसकी रक्षा करती है तो अब हम लोग ये सारी मुद्राएं जो हैं बुद्ध की पूछा जा चुका है आपका 2018 के क्वेश्चन पेपर में स्पर्श मुद्रा पूछा हुआ था तो ये मुद्राएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये सभी मुद्राएं आपको नितिन सिंघानिया जी की बुक में मिलती हैं बाकी हिस्ट्री की और किताबों में आपको नहीं मिलता है तो ऐसा हो सकता है कि फिर से आपको पूछा जाए अच्छा तो गुप्त काल में गुप्त काल में हिंदुइज्म का ज्यादा विकास होता है लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म का भी उतना ही विकास होता है उतना ही तो अब आप लोग ये देखेंगे कि गुप्त काल के आसपास थोड़ा पहले थोड़ा बाद में इसी तरह के रॉक कट मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से बने और बुद्ध से जुड़ी हुई बुद्ध से जुड़ी हुई कौन कौन सी गुफाएं बनी वो वो आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका सब इस समय आप गुप्त काल के बारे में हम गुप्त अभी हम लोग मैंने आपको अभी गुप्ताज गुप्ताज आर्ट नहीं पढ़ाने जा रही हूं मैं वो टेम्पल आर्किटेक्चर है जो मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूं यहां पर इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि गुप्त शासक गुप्त शासक जो थे वो हिंदूज थे लेकिन बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म और बौद्ध बौद्ध वास्तुकला की परंपरा को उन्होंने जारी रखा बौद्ध धर्म और बौद्ध वास्तुकला की परंपरा को जारी रखा उन्होंने और जबकि इस समय मंदिर बन रहे थे इनके संरक्षण में जबकि इस समय मंदिर बन रहे थे लेकिन इनके समय में फाहयान आया था और फाहयान ने यह कहा कि इस समय बौद्ध धर्म का भी उतना ही विकास हो रहा था तो इस, इस काल में अलग अलग विकास हुआ जैसे उत्तर और मध्य भाग में भारत के उत्तरी और मध्य भाग में विष्णु लोकप्रिय थे इस समय दक्षिण में शिव लोकप्रिय थे ठीक है और जो पूर्वी भाग था जो पूर्वी भाग था और जो पूर्वोत्तर था वहां पर वहां पर जो है मतलब ये मालाबार समुद्र तट तो और भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में शक्ति शक्ति की पूजा ज्यादा लोकप्रिय हुआ था जैसे लिंगायत उंगायत उधरी हुए थे तो शक्ति शक्ति की पूजा शक्ति की पूजा में आपको पता है या तो शिव की पूजा होती है या देवी की होती है तो इस समय मतलब इस काल में इस तरह से हिंदुइज्म में तीन तीन धाराएं चल रही थी लेकिन साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हो रहा था और इनके लिए भी वास्तुकला वास्तुकला का भी विकास हुआ तो ये जो देख रहे हो ये अजंता की पहाड़ियां हैं जो जो कि जो है ये आप लोगों के महाराष्ट्र अजंता गांव के निकट महाराष्ट्र में स्थित है ये और आपको पता ही है कि डेक्कन डेक्कन की जो डेक्कन जो है ये पूरा का पूरा जो डेक्कन है ये इग्नियस रॉक है इग्नियस रॉक है यानी ज्वालामुखी क्रिया से ये बना हुआ है और यहां पर ये जो है ये अजंता की गुफाएं औरंगाबाद और से 107 किलोमीटर 107 किलोमीटर पूर्वोत्तर में बरगुना नदी घाटी के 20 मीटर गहरे बाएं चट्टानों में ये जो है बने हुए हैं तो ये अजंता में आपका इंपॉर्टेंट ये कहां पर है कहां पर है ठीक है किस पठारों में डक्कन के पठारों में है ये और इग्नियस रॉक पूरा डन आपको पता ही है और ये इसको उसी में खोखला करके इन चट्टानों को ये बनाया गया है देखो कितना विशाल लग ये है उनतीस गुफाएं हैं उन्तीस गुफाएं हैं इसमें जो है और ये घोड़े के नाल घोड़े के नाल के आकार का ऐसे बना हुआ है अजंता तो इसमें अब अजंता अब अब गुफाओं दीवारों तो यह यहाँ गुफाओ, पे गुफाओं की दीवारों पर भी चित्र है छतों पर भी हैं छतों पर भी हैं बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित है पर हम हम बात कर रहे हैं मूर्ति कला की तो हम बात करेंगे यहाँ पर बुद्ध से संबंधित सभी मूर्तियों की तो यहां पर मूर्तियां भी बनी है पेंटिंग्स भी बनी है ये देखो दीवारों के भीतर गुफा के भीतर का चित्र है तो यहां पर जो रंग जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया है वो वनस्पत और खनिज से प्राप्त किया गया है एकदम नेचुरल कलर्स जो प्लांट से प्लांट से प्राप्त किया गया है और मिनरल से प्लांट्स और मिनरल से कलर्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं और उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है तो ज्यादा मतलब यहां पर जो है पूरा का पूरा जो पेंटिंग है वो लाल रंग से बनाई गई थी और आंतरिक भाग में भी रंग भरा गया था यह आउटर लाइन भी रेड कलर से ज्यादा बनी है और भीतर भी कलर भरा गया है और इसमें सबसे विशेष बात है कि नीला रंग आपको नहीं मिलेगा ब्लू कलर नहीं मिलेगा आपको नीला रंग बिल्कुल अनुपस्थित है तो गुफा संख्या 16, गुफा वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है गुफा संख्या 16 ठीक है जो आप देख पा रहे हैं तो यहां पर ये मतलब जो चित्रकारियां जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं अजंता में वो सब बौद्ध धर्म पर है आपको जब भी पूछा जाएगा तो आप बोलेगा कि अजंता पूरी तरह से बौद्ध धर्म पर बौद्ध धर्म पर है यानी उसमें और किसी धर्म का नहीं मिलता अजंता के में सिर्फ बौद्ध धर्म की ही से ही संबंधित पेंटिंग्स और मूर्तियां हमें मिलती हैं तो इन उन्तीस गुफाओं में जो पांच गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के ही अवस्था के दौरान बने थे और बाकी जो चौबीस हैं वो महायान महायान धर्म के उदय के बाद बने हैं तो इसमें जो है चीनी बौद्ध यात्री वेन सांग और फाहान दोनों ही आए थे और इनके 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 यात्रा विवरण से इनके ट्रैवल डायरी से भी हम से भी हमें अजंता के बारे में पता चलता है तो अजंता गुफाओं की जो प्रमुख मूर्तियां हैं मूर्तियों की ये चैप्टर आपका पेंटिंग का नहीं है ना ये चैप्टर आपका मूर्ति कला और वास्तुकला का है तो अजंता की गुफाओं गुफाएं कैसे बनाई गई हैं इग्नियस रॉक को खोखला कर करके वो भी एक आर्किटेक्चर है और यहां पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो मूर्ति कला का उदाहरण है ठीक है पेंटिंग का हम बाद में पढ़ेंगे तो अगर मूर्तियों के हिसाब से देखें तो गुफा संख्या छब्बीस और गुफा संख्या उन्नीस ठीक है ये ये ज्यादा प्रमुख है तो ये गुफा संख्या छब्बीस का पिक्चर देख रहे हो आप देखो कैसे बीच में बुद्ध को बनाया गया है और बुद्ध के आसपास और भी बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं जो जातक कथाओं का चित्रण करती हैं तो ये गुफा संख्या 26 का है ये गुफा संख्या 19 में नागराजा और उसकी पत्नी को दिखाया गया है कि किस तरह से वो बुद्ध की शरण में आते हैं तो ये ये पेंटिंग है आप देख पा रहे हो ये दीवार पर देखो ये पूरा अंधेरा था वहां पर गुफाओं में बिल्कुल अंधेरा था आपने देखा ना कि कितना कितनी ऊंची पहाड़ियों में बना है लोग मशाले जला जला कर ये मूर्तियां बनी है मशाले जला जला कर पेंटिंग्स बनी है तो मनुष्य को के में आर्ट के प्रति कितना लगाव होता है वो इस इस बात से समझ में आता है कि वो लाइट मतलब अंधेरे में मशाले जला जलाकर दीवारों को दीवारों को में ये इसको दीवारों में पत्थरों को तराश तराश कर ये शेप्स दिए गए हैं तो मतलब मुझे तो बहुत मैं अमेजड हो जाती हूं इन सबको देखकर मुझे लगता है कि आज भी आज भी हम शायद इतने डेवलप्ड नहीं है जितनी उस समय वो कर ले रहे थे मतलब आज इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो पेंटिंग्स है वहां पर उसके तीन चरण है फ्रेस्को विधि फ्रेस्को विधि से पेंटिंग की गई है फ्रेस्को विधि का मतलब होता है कि दीवार को ऐसे दीवार है तो ये तो गुफा की दीवार है गुफा की दीवार कैसी होगी खुरदरी खुरदरी सतह वाली होगी एकदम हार्ड और खुरदरी उस पर क्या किया जाता था कि गोबर धान की भूसी गोबर गोबर जानवरों का जो पॉटी होता है गोबर धान की भूसी से मिश्रित घोल को इस पर फैला दिया गया इस पर ऐसे ऐसे उसको फैला दिया गया ठीक है अब इसको ऐसे फैला दिया गया उसके ऊपर और फिर इस पर चूने के प्लास्टर का एक लिप चढ़ा दिया गया फिर इस पर चूने के प्लास्टर का लेप भी चढ़ा दिया गया ताकि उसका बेस ये तो स्मूथ बनाने के लिए किया गया चूने के प्लास्टर का लेप इसलिए डाला गया कि वहाँ पर वहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा एकदम चिकनी सी सतह हो जाए और एक एक कलर का हो जाए और फिर उसके बाद इसी गीला अभी ये गीला ही रहता था तभी इसके ऊपर रंग चढ़ा दिए जाते थे अभी हल्का गीला ही रहता था कि फिर इसके बाद जो भी इस पर अब शेप बनाना है वो शेप बना दिया गया ठीक है जो भी शेप अब बनाना है वो शेप बना दिया गया कलर उस पर भर दिया गया तो ये हमेशा के लिए फिर अजर अमर हो गया मतलब ये जो तरीका था आज भी अजंता में आज भी अजंता में जो है मतलब पेंटिंग्स उतनी ही चमकदार हैं तो मरणासन राजकुमारी उड़ती हुई अपसराओं की इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं बहुत फेमस एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं तो एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये राष्ट्रकूटों के समय बनी थी और ये चौतीस गुफाओं का समूह है तो ये गुफा गुफाओं का संख्या भी याद रखिएगा अजंता उन्तीस गुफाओं का और एलोरा चौतीस गुफाओं का समूह है और इसमें सत्रह गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है बारह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और पांच जैन धर्म से संबंधित हैं ठीक है तो सत्रह सत्रह गुफाएं बौद्ध हिंदू धर्म से बारह गुफाएं बौद्ध धर्म से और पांच गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं कुल चौंतीस गुफाओं में तो ये एलोरा की गुफाएं हैं ये देखो एलोरा में एक कैलाश मंदिर भी है ये वो ये मंद, उस मंदिर का जो है आपका ये चित्र है तो इन गुफाओं को जो है पांचवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के ईस्वी में जो है विदर्भ कर्नाटक और तमिलनाडु के कई विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा निर्मित किया गया ये नितिन सिंघानिया बताते हैं हालांकि इतिहासकार वो यही कहते हैं कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ और ये राष्ट्रकूटों से जुड़ा हुआ है नितिन सिंघानिया ने कहा है कि ये विदर्भ कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग जो शिल्पियों का संघ था जो उस समय श्रेणियां बनाया करते थे आप लोगों ने पढ़ा है उन्होंने इसको निर्मित किया था और ये जो है मतलब पूरा कथा कथा पर बेस्ड है कथानक वास्तुशास्त्रीय पद्धति से यानी आर्किटेक्चुर दृष्टिकोण से देखें तो ये सो एक नेचुरल विविधता को दिखाती है तो राष्ट्रकूट का मतलब इसमें मुख्य विशेषता कि ये बौद्ध तो इसमें राष्ट्रकूटों का नाम लिया तो है उन्होंने हाँ ये कहते हैं कि हिंदू और बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया जबकि जैन गुफाएं यादव राजवंशों के द्वारा हाँ, तो इस इन्होंने भी जिक्र किया है इस बात का कि राष्ट्रकूट शासकों के समय बना तो ये कहते हैं कि हिंदू और बौद्ध गुफाएं हिंदू और बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया और जैन गुफाओं को यादव राजवंशों ने यादव राजवंश का शासन था अलाउद्दीन खिलजी तक था उसी ने उसने देवगिरी पे देवगिरी पे यादव यादव वंश का ही शासन था तो ये कहते हैं कि यादव राजवंशों ने इसको बनाया था ठीक है तो इसमें प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं तो गुफा संख्या दस जो कि विश्वकर्मा गुफा माना जाता है विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई की गुफा के नाम से जाना जाता है यहां पर बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में बुद्ध विराजमान है उनकी पीठ पर वृक्ष उकेरा गया है गुफा संख्या चौदह रावण की खाई रावण की खाई के विषय पर रावण की खाई के विषय पर आधारित है गुफा संख्या चौदह और गुफा संख्या पंद्रह दशावतार मंदिर है तो रावण की खाई में देखोगे रावण की खाई में रावण जो है तपस्या करते करते कैलाश पर्वत को उठा लेता है और कैलाश पर्वत हिलने लगता है डर के मारे पार्वती जी शिव को पकड़ी हुई है बहुत ही खूबसूरती से उसको दर्शाया गया है तो गुफा संख्या सोलह कैलाश मंदिर है ये ये, ये देखिए ये कैलाश मंदिर है तो इसे इस राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम कृष्ण प्रथम के संरक्षण में बनाया गया था तो ये एक ही चट्टान को काटकर आपको मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर में भी पढ़ा है बेसर शैली के अंतर्गत आता है बेसर स्टाइल जिसमें जिसमें नागर शैली और द्रविण शैली दोनों की विशेषताओं को अपनाया गया तो ये मोनोलिथिक है पूरा काशमक पत्थरों से बना हुआ है और एक ही चट्टान को काट काट कर, काट -काट कर इसको गया था। तो इसी तरह गुफा संख्या सोलह में कैलाश मंदिर की दीवार पर एक मूर्ति भी है जो रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है मतलब उत्कृष्ट कृतियों में से माना जाता है गुफा संख्या उन्तीस को धूमर लेन के नाम, नाम से जाना जाता है और गुफा संख्या इक्कीस में रामेश्वरम मंदिर है आपको लोगों को यह भी पूछा जा सकता है आप कहोगे आप लोगों में से एक दिन कोई कह रहा था नकुल थे या एक स्टूडेंट बहुत रेगुलर रहते हैं मेरे क्लास में अच्छा हाँ नहीं मैं स्पेशल क्लास की बात कर रही हूं तो स्पेशल क्लास में एक स्टूडेंट है वो बहुत रेगुलर सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट है वो uh, मेरे स्पेशल क्लास भी लेते हैं और uh, वहां पर तो लेते ही हैं तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैम हम बेचारे क्या क्या याद रखें क्या याद रखें क्या छोड़ें मतलब किसको भूलू किसको याद करू किसको भूलू किसको याद करूँ ये क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन को आप लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन, बच्चन के पिताजी लेकिन खैर वो अमिताभ बच्चन के मोहताज नहीं है आप युवा लोगों के वो बताना पड़ रहा है हरिवंश राय बच्चन अपने आप में एक शख्सियत है मधुशाला लिखकर बहुत विख्यात हुए थे वो मधुशाला से लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है दो वॉल्यूम में है दो यानी दो किताबें हैं तो नीड का निर्माण फिर से और एक का नाम है क्या भूलू क्या याद करूं तो आप लोगों के सामने मुझे मालूम है कि ये बार 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 ये समस्या आती होगी किसको छोड़े किसको याद करें क्या क्या याद करें पर यही तो यूपीएससी है यही तो यूपीएससी है इसीलिए तो ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है और इसीलिए तो जो क्वालिफाई करता है जो जो क्वालिफाई करता है वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है और न्यूज टीवी चैनल्स यूट्यूब पर बाढ़ आ जाती है इनसे जुड़े हुए वीडियोज का तो वो आप भी सेलिब्रिटी बनने के होड़ में हो अब यहां से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गुफा संख्या २९ धूमर लेन धूमर लेन किस में है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एलोरा में रामेश्वरम मंदिर है वो किस गुफा संख्या में है दो प्रसिद्ध जैन गुफाएं यहाँ जो पांच प्रसिद्ध जैन गुफाएं हैं उसमें जो दो प्रसिद्ध है इंद्रसभा ये गुफा संख्या बत्तीस में है और जगन्नाथ सभा ये गुफा संख्या तैतीस में है और ये नितिन सिंघानिया की न्यू एडिशन में है दिया हुआ ये यानी नितिन सिंघानिया ने इस पर थोड़ा और रिसर्च किया होगा और उनको ऐसा लगा होगा कि यह महत्वपूर्ण है आपसे इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है उनको ऐसा लगा होगा तभी उन्होंने इसको दिया है इस बार बाघ की गुफाएं तो मैं आ, मैंने आप लोगों से पिछले आ, फ्राइडे क्लास लिया था सैटरडे मैंने आप लोगों का क्लास लिया था संपूर्ण इतिहास थ्रू मैप कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री थ्रू मैप उसका सेकेंड पार्ट में कल ले रही हूं तो कल पांच बजे से उसका सेकेंड पार्ट है तो इसमें इसमें क्या है कि जो बाघ की गुफाओं को मैंने वहां पर दिखाया है आपको कि मध्य प्रदेश में ये बाघ नदी के किनारे यहां पर स्थित है ठीक है ये अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो बाघ की गुफाओं में मारते हो महाराष्ट्र बाकी गुफाएं कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में है तो ये मध्य प्रदेश में बाघिनी नदी के बाघिनी नदी के तट पर है और इसमें नौ बस गुफाएं हैं बाकी गुफाओं में नौ और ये अजंता की गुफाओं से काफी मिलती जुलती हैं तो अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल इसका देखा जाए तो एकदम सिमिलर है अजंता की गुफाओं से सिमिलर है ये काफी और इसमें जो है मतलब बाकी गुफाओं में जो पेंटिंग है वो अध्यात्मवादी के बजाय भौतिकवादी है ठीक है जूनागढ़ की गुफाओं की बात करते हैं तो जूनागढ़ में भी बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं और असल में गुफाएं नहीं है बल्कि मतलब ये एक तरह से पहाड़ी है इसको जो है और आपको मतलब उसमें बनाया गया है बनाया गया है इस तरह से है ये तो इसकी जो है मतलब आ, तीन इसके पार्ट है देखो ये पूछा जा चुका है आप लोगों का ऊपर कोट जैसे आप लोगों का तीन सेंटेंस देता है ना तीन सेंटेंस रहता है और पूछता है कौन सा सही कौन सा गलत तो ये ऊपर कोट पूछा जा चुका है तो यहां पर तीन प्रकार के स्थल पाए जाते हैं एक को कहते, को कहते, बाबा प्यारे, और तीसरे को कहते तो जो जूनागढ़ गुजरात के जूनागढ़ में मतलब जो इस, इनकी गुफाओं की जो सबसे विशेषता है वो ये है कि तीस पैंतीस फुट ऊंचा एक नगर दुर्ग मिला है और उसी को हम ऊपर कोट के नाम से जानते हैं ऊपर कोट के नाम से हम उसी को जानते तो ये ऊपर कोट ऊपर कोट निम्नलिखित में से किन गुफाओं का हिस्सा है तो लिखा रहेगा आपका नासिक नासिक बाघ जूनागढ़ एलोरा तो आपको क्या ऑप्शन देना होगा कि ऊपर कोट की गुफाएं जूनागढ़ में है तो जूनागढ़ में ऊपर कोट पूछा जा चुका है तो ऊपर कोट फिर नहीं पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वहां खपरा कोड़िया है खपरा कोड़िया बाबा प्यारे और ऊपर कोट मंडपेश्वर की गुफाएं ये बोरीवली में स्थित है ठीक है इन्हें पेरिर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है पेरिर गुफाओं के नाम से और ये लेटर गुप्ता पीरियड का है और इसको अब ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया गया है यहां पर नटराज शिव के अर्थ नारेश्वर की मूर्तियां ठीक है यहां पर चर्च भी है चर्च भी है क्योंकि अब इसको ईसाई धर्म में परिवर्तित तो मंडपेश्वर याद रखिएगा कि मंडपेश्वर कहाँ है मंडपेश्वर याद रखिएगा कि मंडपेश्वर जैसे स्थानेश्वर आप लोगों से पूछा था तो मंडपेश्वर याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है और ये मैंने आप लोगों को उस दिन हिस्ट्री थ्रू मैप में भी मैंने मंडपेश्वर दिखाया था आप लोगों को देखिए उदयगिरी की गुफाएं तो उदयगिरी दो जगह है एक तो है उदयगिरी खंडगिरी जो कि उड़ीसा में है और एक उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में है तो हमेशा ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा एक उदयगिरी एक उदयगिरी आपका जो है उड़ीसा में भी है और एक उदयगिरी आपका मध्य प्रदेश में भी है तो उड़ीसा वाले में उदयगिरी खंडगिरी ऐसे करके आता है और ऐसे सिर्फ उदयगिरी अगर पूछा जाए तो ये आप लोगों का जो है आ, मध्य प्रदेश में है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में ये बना था तो यहां पर बराह और विष्णु मतलब बराह विष्णु का बराह अवतार मिलता है तो हिरण्याक्ष से हिरण्याक्ष से बचाने के लिए पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बता बचाने के हिरण्य हिरण्याक्ष जो निगलने जा रहा था पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष से बचाने के लिए उन्होंने ही निगलने जा रहा था या डुबाने जा रहा था तो उन्होंने जो है बराह उतार लिया था तो बराह के दांत बड़े बड़े होते तो उन्होंने पृथ्वी को अपने दांत पर टांगा था तो यहां पर शिव नरसिंह नारायण नर और नारायण की मूर्ति जब भी आता है तो नारायण का मतलब वो शेषैया पर जो विश्राम करते हैं ना शेषनाग पर जो विष्णु विश्राम करते हैं उसको हम कहते हैं नारायण की मूर्ति ठीक है उसको हम लोग नारायण की मूर्ति कहते हैं तो यहां पर जो है ये ये सब मतलब हिंदू धर्म से संबंधित सारी मूर्तियां मिलती हैं बराह अवतार के लिए बहुत फेमस है और इस समय कुछ स्तूप भी बने इस समय कुछ स्तूप भी बने हैं तो जैसे सारनाथ का जो धामेख स्तूप है वो गुप्त काल के दौरान का ही माना जाता है हालांकि कुछ लोग कहते कि अशोक 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 ने बनवाया था पर अशोक क्योंकि शोक के स्तंभ भी यहां से मिले हैं पर ऐसा माना जाता है कि उस समय ये गुप्त काल के दौरान इन स्तूप स्तूप का निर्माण हुआ था नितिन सिंघानिया भी यही कहते हैं और इस दौरान मूर्तियां भी खूब बनी गुप्त काल के दौरान सारनाथ के आसपास एक मूर्ति कला की नई शैली विकसित हुई थी मूर्ति कला की समय एक नई शैली विकसित हुई थी और ये मतलब क्रीम रंग के बलुआ पत्थर से क्रीम रंग के बलुआ पत्थर से जो है ये मूर्तियां बनी थी और यहां पर बुद्ध के सिर के चार और आभा मंडल भी बनाया गया था अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न कुछ क्वेश्चन वो पिछले लेक्चर जो रिमूव हो गया उसमें भी ये क्वेश्चन थे तो देखिए हो सकता है आपको याद हो ये क्वेश्चन तो हाथी गुंफा शिलालेख और इस पर ये दो है तो बहुत सारे लोग राइट आंसर दे रहे हैं डी होगा क्योंकि हाथी गुंफा शिला लेख विदिशा की उदयगिरी गुफा में नहीं है उड़ीसा की उदयगिरी गुफा में है तो ये गलत हो गया और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और यहां पर दिया है प्राकृत तो ये डी होगा दोनों में से कोई भी सही नहीं है दूसरा क्वेश्चन देखिए मूर्ति कला शैलियों के बारे में क्वेश्चन देखते ही काफी लोग गायब हो गए क्या बात है तो इसमें काफी लोग जो है डी कह रहे हैं इसमें डी नहीं होगा इसका राइट आंसर होगा सी पहले पिछली बार कंटेंट टीम ने गलत वो बना दिया था देखिए गांधार शैली स्वदेशी नहीं थी ये बाहरी संस्कृतियों से पूरी तरह से प्रभावित थी यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए यह गलत हो गया मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ था और यह बात बिल्कुल सही है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था इसमें तो ये हो जाएगा आपका दो दू, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है बुद्ध ने सारनाथ में पहले उपदेश के दौरान कौन से कौन सी मुद्रा बनाई थी कौन सी मुद्रा बनाई थी हाँ पहली क्लास में गलत प्रिंट हुआ था अब मैंने सही कर दिया है अब मैंने सही कर दिया है अभी गलत प्रिंट नहीं है तो इसमें आप लोग सही है बिल्कुल धर्म चक्र मुद्रा है ये अब ये क्वेश्चन देखिए आप कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से माना जाता है मैंने आपको बताया था ना कि कैलाश पर्वत को ऐसे बैठ के रावण हिला रहा है दर के मारे पार्वती पकड़ी हुई है शिव को तो ये कहां पर पाया गया है अजंता एलोरा चितनवासल तमिलनाडु में है ये उदयगिरी खंडगिरी कहां पर तो बहुत सारे लोग सही आंसर दे रही हैं एलोरा की गुफाएं हैं एलोरा की गुफाएं रावण की खाई ठीक है और यह उत्कृष्ट माना जाता है मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर देखिए ताम्रपत्र तांबे की पट्टिकाएं मिली हैं जो शिलालेख ये पूर्व अशोक काल का है और इसमें अकाल के राहत प्रयासों का उल्लेख है और यह ब्राह्मी लिपि में पाया गया है ये कहां पर है यह कहां पर है तो काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं इसमें भी ये सोहगौरा है सोहगौरा ताम्रपत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये भी यूपीएससी आपसे पूछ चुकी है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है तो देखिए मैं आप लोगों को जा... बिल्कुल यही रहिएगा जाइएगा मत जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर रही हूं कि ये जो आप लोगों को वो जो ऊपर ब्लू रंग से ये पिंड आप लोगों को एक लिंक दिख रहा है वो मुहिम का है आप सब लोग मुहिम को सब्सक्राइब कर लीजिए नितिन सिंघानिया की क्लास मंडे से मुहिम पर चला करेंगी और मंडे से हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एकदम न्यू चैप्टर शुरू होगा मंडे से सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर आपकी पेंटिंग है ठीक है तो ये आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को आप सब के सब लोग आप जहां चैट बॉक्स में ऊपर एक लिंक दिया हुआ है वहां से मुहिम को सब्सक्राइब कर लीजिए और मंडे से नितिन सिंघानिया का सेशन आपको लोगों को मुहिम पर ही चला करेगा और टाइम रहा करेगा 12:30 थर्टी साढ़े बारह बजे 12:30 से नितिन सिंघानिया की सीरीज मुहिम पर चला करेगी ठीक है तो आप सब लोग को नितिन सिंघानिया का थर्ड एडिशन थर्ड एडिशन आप लोगों को अगर पढ़ना है कोई भी क्लास मिस नहीं करना है तो आप लोग मुहिम पर इस क्लास को लेंगे तो आपको क्लास लेने से मतलब है यूट्यूब ही है वो भी चाहे आप यहां पर लो वहां पर लो तो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग परसों सैटरडे कल फ्राइडे को कल फ्राइडे को मेरी क्लास रहेगी कल फ्राइडे को मैं जो कंप्लीट कराऊंगी हिस्ट्री थ्रू मैप वाला सेशन जो कि एंसिडेंट के बाद मैंने रोक दिया था लास्ट सैटरडे उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी और और टाइमिंग 12:30 रहेगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोगों को पता चल जाएगा 12:30 पर मुहिम पर होगा नितिन सिंघानिया का सेशन और कल पांच बजे आप लोगों का हिस्ट्री थ्रू मैप है यही से हिंदी पर हिस्ट्री थ्रू मैप कल पांच बजे आप लोगों का ये सेशन रहेगा फाइव पी ठीक है और सैटरडे uh, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा आप लोग सैटरडे आप लोगों का टेस्ट रहेगा नितिन सिंघानिया के इस फर्स्ट चैप्टर पर फर्स्ट चैप्टर पर सारा नितिन सिंघानिया से ही क्वेश्चंस मतलब नितिन सिंघानिया के में जो हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस रहेंगे आप सब लोग रेडी रहिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं मिलते हैं हम लोग फिर कल शाम को पांच बजे यूपीएससी हिंदी पर ठीक है और मुहिम पर ज्योग्राफी क्लास सेवन की ज्योग्राफी कल रहेगी साढ़े बारह बजे ठीक है चलिए फिर मिलते हैं